सभी को, कैसे आप सभी, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है दीपावली, तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ा कंफ्यूजन है ना, दीपावली कब मनाए, कोई बोल रहे 31 को है, कोई बोल रहे हैं 1 तारीख को है, तो क्या दोनों दिन ही मना लेंगे, 31 को भी लक्ष्मी पूजन कर लेंगे और दिए भी जला लेंगे और 1 तारीख को भी हम लक्ष्मी पूजन करेंगे और दिए भी जलाएंगे, इसमें कौन सी बुराई है, दोनों दिन आप दीपावली मना लीजिए, इसमें क्या। और अभी ना मैं तो नहीं जा रही मार्केट, पलकिन, पलकिन के पापा और रिधव तीनों ये जा रहे हैं मार्केट पटाखे वगैरह लाने को, और थोड़े दिए वगैरह लाएंगे और थोड़े जो आस पड़ोस में हैं हमारे जान पहचान के उनको स्वीट्स दे के आएंगे और हैप्पी दिवाली विश करके आएंगे। बाकी तो पिछले कल आपने देखा होगा सफाई तो कर ली थी, बस थोड़ा थोड़ा अभी मैंने आज सुबह थोड़ा थोड़ा झाड़ू दे दिया है। बाकी अभी डेकोरेशन का वो जो मैंने सामान मंगवाया था मीशो से वो कुछ कुछ लगाने को रहा है, लाइट्स भी मैंने पिछले कल ही लगा दी थी, वो भी आपने देखा था वीडियो में, बस वो रही है, वो आर्टिफिशियल फ्लावर थे ना गेंदे के फूल, बस वही लगाने रहे हैं, तो अब मैं उनको लगाती हूँ और बस राखू तो अभी ना है क्योंकि पिछले कल रात को तो ये बहुत रात जैसे को आए हुए हैं क्योंकि इनकी थी कुछ पार्टी ऑफिस में, तो ये लेट पहुंचे हैं यहाँ पे और अभी जा रहे हैं ये। और मैंने ना गोबर मंगवाया था तो मैं सोची दरवाजे के बाहर ना उसको यहाँ पर लिपाई कर लेती हूँ, फिर मैं लक्ष्मी जी के बस सिंपल ये लक्ष्मी जी के पैर बना दूंगी, मैं डोर के सामने ज़्यादा रंगोली नहीं बनाऊंगी, बस इतना ही सिंपल रहेगा। तो फटाफट से करती हूँ काम और धूप भी चली गई है, आधा दिन तो वैसे निकल गया है पता ही नहीं चला, तो चलिए लगते काम है। तो पलकिन होगी है रेडी और ये जा रही है, बोलना है आपने कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए? Yes. क्या बोलना है? हैप्पी दिवाली। हेलो। और ये छुटकू राम ये भी रेडी है। रिधव आपके शूज कहाँ है? Where your shoes? देखो मामा, देखो जी रिधव भी रेडी हो गया जाने के लिए है ना, शूज ले। बाय। और ये लोग चल पड़े हैं अब शॉपिंग करने के लिए। जाती हूँ हारे और मैं थोड़ी कंफ्यूज क्योंकि आगे बालकनी के लिए ना कम पड़ रही, बालकनी चौड़ी है, दो मैंने ना ये डोर पे भी लगानी थी ऐसे एक इधर को, चलो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ क्योंकि एक हाथ से फोन पकड़ के और एक हाथ से ये कैसे करूंगी, पहले लगाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कैसे लग रही है। ये देखो मैंने लगा दी है, ऐसी लग रही है कुछ दोनों और बहुत सुंदर लग रही है। और यहाँ सोची हूँ मैं वो चौका कर लेती हूँ, गोबर की लिपाई करती हूँ यहाँ पे डोर के आगे, तब देखते हैं। बच्चे भी गए तो मैं फ्री हुआ अभी काम करने क्योंकि पहले तो मैं सेटिंग कर लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ, पीछे से ना वो गंद डालने लग जाते, लगे रहते खाने रैपर फेंक रहे, जो भी चूरा मूरा हुआ वो भी गिर जाएगा और पैरों में लग जाएगा, एक बार पानी गिरा देगा, अभी वो गए हुए, तो मैं सोचूँ फटाफट से अपना काम निपटा देती हूँ, उनके आने तक बिल्कुल फ्रेश हुआ रहेगा और शाम को फिर हम दीपावली इंजॉय करेंगे। और हाँ, मुझे ना लास्ट ईयर के मेरे क्या बोलते उसको यार दीप बचे हुए थे, मैंने रखे हुए थे संभाल के, तो मैं सोचूँ उनको ही पानी में डिप करके रखती हूँ, थोड़े साफ भी हो जाएंगे, फ्रेश भी हो जाएंगे, शुद्ध जैसे हो जाएंगे। और पानी ऐसे बोलते कि पानी में डिप किए दिए ना तो उसमें ऑयल भी कम लगता है। त्यौहार होते ना घर को, घर की औरतों के तो रेल बन जाती है त्यौहार, तो ये बाकी लोगों के लिए होते हैं जो घर में कुछ कोई भी हेल्प नहीं करते उनके लिए त्यौहार, घर की औरतों के लिए तो बस सफाई भी निकल जाते हैं त्यौहार। तो अब इसको करती हूँ मैं यहाँ से, पहले ये प्लांटर हटा देती हूँ और ये जो स्लिपर है यहाँ पर ये भी साइड कर देती हूँ। तो ये देखिए मेरे डोर के सामने थोड़ा सा चौका लगा दिया है गोबर का, अब इसको सूखने देती हूँ, फिर मैं इसके ऊपर लक्ष्मी जी के रंगोली से पैर बनाऊंगी। और अभी मैं ना ऊपर जाती हूँ मंदिर के लिए, मैं माला बनाऊंगी फूलों की ऊपर। कौन सा हॉस्पिटल है यार ऊपर, ये कौन सा है, क्या बोलते हैं इसको यार, कौन सा हॉस्पिटल, वेटनरी हॉस्पिटल, वेटनरी हॉस्पिटल के पास जा रहे हैं हम यहाँ पे। वहाँ पर ना मैंने बहुत सारे फूल देखे थे मैरीगोल्ड के, वहाँ से तोड़ के लाती हूँ। और साथ में है मेरे पड़ोसी जी और शर्माते कायरा, नहीं शर्माते कायरा, हेलो, हैप्पी दिवाली बोलो, हैप्पी दिवाली। हाँ, तो यहाँ पर वो हॉस्पिटल है, देखो यहाँ पर फ्लावर लगे हुए और मैं सोच रही थी जैसे तोड़ूंगी, ऊपर इसमें ना गेट है यहाँ पर ताला लगा हुआ है, तो मैं सोच रही ये रेलिंग कूद के जाती हूँ परे, कर लिया यहाँ से नहीं होगा चढ़ के, परे से चढ़ते आ जाए इधर, अब यहाँ से कूद जाती हूँ मैं।
ये है जी पशुपालन। ये आपने मुझे दी तो है ये वाली, मेरे तो दोनों टिकी वो ऐसे करके फ्लावर। हाँ तब मेरे से ही लेना। ये देखो परे निकाले मैंने, बतेरे इतने मंदिर के लिए चाहिए मेरे को। ये लिया था मैंने, मैंने कभी किया तो नहीं। ये क्या है? अच्छा वो उड़ाना लैंप रात को मैंने आपके सीधे घर में घुसा दिया। इसको कहा कि दिए है ना कैंडल, सुंदर नहीं है? सुंदर लगी, फिर लगी सुंदर लगी, फिर लगी कांच की है, कांच की 100 की थी मेरे 100 की थी ना, खुशबू वाली होनी कैसी होनी है, कई वो फ्रेग्रेंस वाली नहीं खुशबू वाली। हाँ है वो 200 की है, वो भी जिसे खुशबू वाली भी है, खुशबू वाली बनती तो। यार मैंने ऑनलाइन वो भी मंगवाया था एक, वो ना ब्रास की वो नहीं होता एक वो कुंडी जैसी, उसे पानी रखो फूल डालो उसके अंदर, वो बहुत सुनी अभी तक वो मंगवाई थी ब्रास के बाहर से ऊपर ऐसे काम भी कर सकता। हाँ 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 मैंने मंगवाई वो क्यों उन्होंने कहा चलो तुई तुई ये देखिए मैं फ्लावर भी ला दी। ये मैं ना ये वाली माला मैं मंदिर के लिए मैंने बनानी है ये, तो अभी बनाती हूँ और मैं नहाई नहीं हूँ, घूम सारे में रही हूँ, नहाना मुझे रहा हुआ है अभी बाकी, चलो वो भी नहाई लूँगी मैं क्योंकि शरीर धर्म और बच्चे नहीं है अभी ना, सुई का भी डर रहता है मेरे को बच्चों के साथ, तो पहले मैं इनको बनाती हूँ फिर उसके बाद नहाने जाऊँगी। अभी मैं लाई थी उसकी माला मैंने बना के रेडी कर दी है, ये मंदिर के लिए बनाई हुई है मैंने, और इन फूलों की खुशबू इतनी अच्छी है ना, भगवान जी को ना मेरा मन ही नहीं था कि मैं ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर है इसकी माला मंदिर में चढ़ाऊँ, मैंने सोचा है थोड़े से ही फूल मिले मुझे, बट मैं ये जो नेचुरल फूल होते हैं प्रकृति के फूल, मेरा मन था मैं इन्हें ही बना के सॉरी भगवान जी इन्हें ही बना के भगवान जी को अर्पण करूँ ये वाली माला। और इसी के साथ जब मैं ये बना रही थी, और आप ना पक जाएंगे, आप लोग बोलेंगे हमेशा अपने बचपन की खामियां सा, वो तो आपके साथ भी होता हो कुछ भी आप काम करो तो आपको ध्यान में आता होगा कि जब हम छोटे होते थे तो हम ऐसा करते थे वैसा करते, तो मुझे भी याद आता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो जब मैं ये माला बना रही थी ना फूलों की, तो मुझे ना आ रहा था अपना याद, मतलब शादी से पहले का टाइम याद, और तब ना इतने सारे गेंदे के फूल, बल्कि कमरा इतना इतना भर जाता था, इतने फूल होते थे गेंदे के फूल, और हम सुबह से ना माला बनाने बैठ जाते थे, मम्मी हमें बोलती थी तुम क्या काम करो, तो मैं सबसे पहले बोलती थी कि बस मैं माला बनाने का काम करूंगी, मैं इतनी मोटी मोटी माला गेंदे के फूल जो बड़े बड़े फूल होते ना उसकी मालाएं बनाती थी, बड़े बड़े मोटे मोटे फूल और उनकी मालाएं बनाती थी, गेट पे लगानी है ना, ग्रिल में लगानी, स्टेयर्स पे लगानी, इतने फूल तो नहीं है यहाँ पे शिमला में, इतने फूल लगाऊंगी भी कहाँ पे मैं, गमलों में भी थोड़े से यूज लाइक ही होते हैं, तो चलो इतने भी मिल गए भगवान जी के लिए मंदिर में चढ़ाने के लिए। देखो ये ताज़ा फूलों की माला और इनकी खुशबू ना बहुत ही अच्छी आ रही है, और जो ये वाले फ्लावर है पता नहीं आपको दिखेंगे, ये वाले जो फ्लावर है ना इनको हमारी भाषा में बोलते हैं बोद्दी के फूल, और इनकी खुशबू ना इतनी अच्छी होती ना, इनकी खुशबू की सुगंध से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी। और ना ये जो सेंटर में ये मैंने वाइट कलर का रोज़ लगाया हुआ है इसमें, ये वाइट कलर का रोज़ है, एक रोज़ लाई थी मैं, ज़्यादा फूल मैंने भी नहीं तोड़े क्योंकि वहाँ खिले थे, मैं सोचा सारा ही खाली क्या करूँ, सुंदर लग रहे थे वहाँ पर उगे हुए, ये ज़्यादा मैं नहीं लाई कि सारे ही मैंने तोड़ के ला दिए, मैं सोचा क्या होता किसी और को भी ज़रूरत होगी फूलों की, वो भी सोच रहा होगा हम भी यहाँ से ले जाते हैं मेरी तरह, तो मैंने थोड़े से ही लाई यूज़ लाई, तो थे वहाँ पर काफ़ी फूल बट मैं अपने यूज़ लाइक लाई तो बस। अनुज तो मेरे पास तो मुकर रहा था ये पलकी ना आ जाओ बच्चा, आइए आइए आइए, सर 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 नमस्ते जी, नमस्ते जी, पलकिन की शॉपिंग, क्या शॉपिंग की पलकिन, पापा कहाँ हैं, आ जाओ अंदर, बताओ क्या क्या लाए, क्या लाए मेरे लिए, मैंने भी तो मनानी है दिवाली, करवा चौथ में क्या दिया भैया ने, चलो मिठाई तो मैंने पटाखे भी फोड़ने मेरे लिए क्या लाया स्पेशल जो आप, अभी तो ये तो एक दुकान से आए, अभी तो तीन दुकान
अभी तो सिर्फ बिकू है मेरे यहाँ शॉर्ट दिवाली इसमें ही कर दे सारी जगह से सारे दोस्तों से थोड़ी मारो जी ये माला भी बना के कैसे लगा बहुत सुंदर बनाई दिवाली के दिन रिदम अपनी बंदूक दिखाओ अनु चला तू कैसी बंदूक दिखाओ जरा चला के दिखाओ चला ये बना रही हूँ रंगोली के लिए लक्ष्मी जी के पैर बनाने हैं मैंने बाहर मेन डोर के बाहर तो चलिए वीडियो हो गया है मैंने थोड़ा सा ना ये सिंदूर सा लिया था और उसको थोड़ा सा पानी में किया अब मैं लक्ष्मी जी के पैर बनाऊंगी तो आ जाइए मेरे साथ लक्ष्मी जी के पैर बनाते हैं हम ऐसे करते भूल गई हूँ मैं पता नहीं अब थोड़ा खुला ज्यादा खुला बनाने अपने नजदीक बनाने थे बड़े बड़े थे मेरे को बनाने पर ना दो तीन चार पांच हो गया नाइस करो इसको जैसे गोलाई आ गई है ये तो बड़ा अच्छा बहुत अच्छा ये वाला बड़ा सुंदर बना है ना ठीक हो गया और बस कुछ रंग डिजाइन कुछ भी बना दो आप बेटी के करती तो लक्ष्मी आई है ठीक है बैठो अरे आओ बैठो उनके लिए पैक करते हैं गिफ्ट और इसमें है कप ये पैक करते हैं और ये गिफ्ट पैक बचा हुआ था मेरे पास अभी ये पैक किया था मैं गिफ्ट और साथ में है स्वीट्स के डब्बे तो चलो पैक कर मैं तो नहीं करूँगी मैं अनुज को जस्ट बता रही हूँ पैक अनुज करेगा मेरे तो काम है अंदर अनुज ही करेगा पैकिंग सब वाह अनुज क्या बढ़िया पैकिंग कर रहा है कोई नहीं जो एक्स्ट्रा उसको कार्ड देने को था तेरे को इसका था तेरे को ऐसा बना तो ऑलमोस्ट सभी डेकोरेशन मैंने कर ली है और अभी ना संध्या होने वाली है टाइम हो रहा है 5:30 हो रहे हैं और मैं सोच रही हूँ पड़ोस में चली जाती हूँ स्वीट्स वगैरह गिफ्ट्स वगैरह बांट के आ जाती हूँ तो फिर कुछ टाइम बाद दिए भी जलाने होंगे और पूजन भी करना होगा फिर खाना पीना वगैरह रहेगा तो अभी टाइम है और आधी प्रिपरेशन मैंने डिनर की कर ली है तो मैं सोच रही लगे हाथों ना अभी मैं चली जाती हूँ पड़ोस में और वो सामने वाली बिल्डिंग में वाइट बिल्डिंग में कायरा नीचे गिरी क्यों ऐसे अच्छा ऐसे बैठ रिदम चप्पल पहनो पलकिन में आई ऊपर स्वीट्स दे के ना जो सुबह आए नहीं थे आंटी उनके वहां पर दे के आती मैं स्वीट ठीक है ओके नहीं बेटू आप खेलो यहीं पर खेलो आप ओके अच्छा आना है आपने चलो तब रिदम बीच आए मम्मा 2 मिनट्स में आ गया ठीक है स्वीट्स दे के आई मैं और ये रहते ऊपर सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे चलो फाइनली पहुंच गई थी तुम नो वेट करो बच्चा जाओ यहाँ बैठ जाओ स्वीट्स लाई थी ये अब क्या ढूंढ रहे हो मेरा गिफ्ट मुझे तो मम्मा सुबह आए थे ना रूम पे हाँ सुबह आए थे हाँ सुबह आए थे वो स्वीट्स और मुझे ना मिठाई बांटते होगी ये रात और मेरे घर के बाहर की ना लाइटें भी आवाज आ रही है ये मैंने पानी में डिप करके रखे थे और ये देखो कैसी आवाज आ रही है क्योंकि इन्होंने पानी सोक कर दिया है वरना इन्होंने इतना ऑयल सोक करना था ऐसे और सभी दियों में तेल मैंने डाल दिया है इधर में भी दिए हैं और इनको मैं जलाती हूँ डोर के सामने रखती हूँ आगे बालकनी में लगाती हूँ फिर उसके बाद हम पूजा स्टार्ट करेंगे पहले लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए तो दिए जला लूँ तो चलिए और ये देखिए दिए मैंने जला दिए हैं बालकनी में से हाँ जिधर भी आ गया बालकनी में दिए जलाए हुए हैं क्या लाया हुआ है
वाओ अनार, और इतने सारा यहाँ देखो, यहाँ भी खेड़ दिया सारे में, और यहाँ एंट्रेंस के पास भी जला दिए है नीचे। मैंने ना पूजन कर लिया है, दिए भी मैंने जला लिए है, पूजन वगैरह ना कर लिया है, और मैं ना तुम क्या कर रहे हो, नीचे गिरा रहे हो आप स्वीट्स, ऐसे मत करो। और क्या बोलते, मैं अकेली थी पूजन करने वाली, पलकिन भी हाँ बच्चों के साथ खेल रही है, मैं आवाज़ें मार मार के थक गई, आ जा पूजन कर रही हूँ। और क्या बोलते, इसके पापा भी है नहीं, अभी अभी गए वो, और उन्हें पता भी था कि पूजन का टाइम यही रहता है 7 के बजे से, तो वो भी थे नहीं यहाँ पे, और मैं अकेली पूजन कर ली, और मैं शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि मैं तो पूजा कर रही थी, तो मेरा ध्यान पूजा पे ही था, तो मैंने ऐसी कुछ भी वीडियो नहीं बनाई पूजन की। दिया धुआ भी जला दिया मैंने, धूप बत्ती भी कर दी है, लक्ष्मी जी का पूजन भी हो गया है। अच्छा वेट करो, तो चलिए और अब मैं भी आ गई हूँ यहाँ दिवाली मनाने, और ये देखिए शिमला का व्यू दिखाती हूँ मैं यहाँ से आपको, ये देखिए ऐसे जगमगा रही है हमारी राजधानी। इधर ये बीच में पेड़ आ गया, इधर इससे ज्यादा दिख नहीं रहा परे का, चला लो पीछे तो पीछे तो अनाज रहा, वो बुझा दी है आग ठंड से। ये बड़ा मजा आया, ये बड़ा मजा आया इसके साथ। आए मम्मा इधर आओ टेरेस के ऊपर, ये रहा वहां पर मेरा घर। राकुवरों की टीम अभी आई हुई है नाक के जला के, और इनकी टीम अभी अभी, ये देखो अनुज जला रहा है, ये क्या ला अनुज तू, ये कैसा होता है यार, ये बड़ा फनी सा है। आगे मोहल्ले वालों ने सबने फाड़ दिए, डरते हैं नहीं लगेगा, जान दे तू ये फटेगा ऊपर से। वगैरह हमने कर दिया है, राकू और भी आ गए थे, पटाखे वगैरह भी जला दिए है, पलकिन की ये सो सर्दियों में रहना था और इस पर पुश कर जाना था। अच्छा क्या बोलते, तो इस वीडियो करती मैं यहीं पर एंड, और होप आप सबकी दिवाली भी बहुत अच्छी मनी होगी, और खूब आपने पटाखे जलाए होने, और खूब आपने दीप भी जलाए होने, तो फिर से अगेन हैप्पी दिवाली आप सभी को उनकी। ये हैप्पी दिवाली बोल रहा है ये मुझे, ये यहाँ पर हमारे चौक पे बहुत ही फेमस है, ये आते जाते सभी लोग इसे जानते हैं, चिंकी मैडम। पैर छू रहा है रिदव चिंकी के, हैप्पी दिवाली चिंकी, और इसे मैंने एक ओरियो दिया स्वीट्स दी, बस हैप्पी दिवाली। पटाखे तो नहीं चलाना तूने, फूल जड़ी तो नहीं चलानी तूने चिंकी। हेलो चिंकी, वेलकम टू होम। चिंकी आई मारी मेहमान भाई आज।